सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग के F62 फ़ोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोन 22 तारीख से बाजार में मिलने वाला है और इसकी सेल दोस्तों फ्लिपकार्ट पर भी स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि सैमसंग गैलेक्सी F62 जिसके दोस्तों कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और उसमें दोस्तों हमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली थी, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इस फ़ोन की कुछ अच्छी बातें। दोस्तों अगर आप इस फ़ोन को लेने सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपका एक कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए कि आपको इस फ़ोन में क्या कुछ अच्छा देखने को मिलता है, जिससे आप इस फ़ोन को अच्छे से खरीद सको या फिर आप किसी और फ़ोन को लेना चाहते हो तो आपको जो कन्फ्यूजन है वो दोस्तों दूर हो जाए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल दबा दें जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप एक ऐसा फ़ोन लेने सोच रहे हो जो सैमसंग ब्रांड का हो और दोस्तों वो 25,000 रुपये के अंदर आए तो आप दोस्तों इस फ़ोन तक जा सकते हो। दोस्तों इसके जो खास फीचर है वो आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले है इसकी डिस्प्ले। जी दोस्तों, इसमें आपको 6.7 इंच की एक फुल HD डिस्प्ले मिलती है जो कि दोस्तों एक सुपर AMOLED डिस्प्ले है। दोस्तों अगर आपको गेम खेलने का शौक है या फिर दोस्तों आप अपने मोबाइल में मूवीज या फिर कोई वीडियो ज़्यादा देखते हो तो आपको इस फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बड़ी है और प्लस दोस्तों सुपर AMOLED डिस्प्ले है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि सुपर AMOLED डिस्प्ले होती हैं वो दोस्तों काफ़ी अच्छी होती हैं। तो दोस्तों आप इस फ़ोन को बिना टेंशन खरीद सकते हो अगर आपको गेम खेलने का या फिर वीडियो देखने का ज़्यादा शौक है तो, क्योंकि दोस्तों इसकी डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है। वीडियो और गेम खेलने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है बैटरी की। दोस्तों इस फ़ोन की जो बैटरी है वो काफ़ी बड़ी है, 7000 mAh की इसके अंदर बैटरी दी गई है जिसको आप 25W के फास्ट चार्ज से जल्दी चार्ज कर पाओगे और जो चार्ज दोस्तों आपको इस बॉक्स के अंदर साथ में मिलता है। दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है कि चार्जर भी आपको बॉक्स के अंदर ही मिल रहा है 25W का, जिसे आप अपने फ़ोन को 1.5 से 1.75 घंटे के अंदर चार्ज कर सकते हो और आपकी जो बैटरी है फ़ोन की दोस्तों वो कम से कम 2 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से दे देगी अगर आपका नॉर्मल यूज है तो। और दोस्तों आप अपने फ़ोन को ज़्यादा हैवी यूज करते हो फिर भी ये आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से दे देगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। दोस्तों आपने देखा होगा सैमसंग के फ़ोन होते हैं वो ज़्यादातर हैंग होते हैं, क्योंकि दोस्तों उसका जो प्रोसेसर होता है वो काफ़ी स्लो होता है, बट दोस्तों इस फ़ोन में जो प्रोसेसर दिया गया है वो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। इसमें दोस्तों वही प्रोसेसर दिया गया है जो आपको सैमसंग के Note 10 Plus में दिया गया था, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि आपको इस फ़ोन में कौन सी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। और दोस्तों इस फ़ोन के एंटीटू स्कोर की बात करें तो आपको इसमें 4 लाख के ऊपर का एंटीटू स्कोर देखने को मिलता है। दोस्तों आप उससे ही अंदाजा लगा सकते हो कि आपको इसमें काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस मिलने वाली है और आप इस फ़ोन को बिना टेंशन के यूज कर सकते हो, चाहे आपका मल्टीटास्किंग यूज हो या फिर गेमिंग करते हो या फिर दोस्तों आप कितने भी हैवी अपने फ़ोन को यूज करते हो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं इस फ़ोन के जिसे देखकर आप इस फ़ोन को लेने के लिए मजबूर हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छी है, इसकी स्टार्टिंग दोस्तों 24,000 रुपये से होती है, बट दोस्तों ICIC कार्ड के ऊपर 2,500 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है जब इसकी सेल स्टार्ट होगी तब। दोस्तों ये फ़ोन सिर्फ 21,500 रुपये का है जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों सैमसंग की ब्रांडेड डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, दोस्तों आप इस फ़ोन को ले सकते हो। और प्लस दोस्तों इसमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट दिया गया है जिसमें आप 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड आसानी से लगा सकते हो। और दोस्तों इसे कैमरे की बात की जाए तो इसमें दोस्तों कैमरा भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। इसमें आपको 64 MP का मेन कैमरा दिया गया है जो कि दोस्तों सोनी के सेंसर के साथ आता है। तो सोनी का सेंसर होता है वो सैमसंग का सेंसर काफ़ी अच्छा होता है, तो आप उससे अंदर लगा सकते हो कि आपको इसमें काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस मिलने वाली है, चाहे आप वीडियोग्राफी करो या वीडियो देखो या फिर दोस्तों गेमिंग करो, आप कुछ भी करो आपको हर एंगल से इस फ़ोन में काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसकी प्राइस दोस्तों आपको पता चली होगी 21,500 रुपये का ये फ़ोन है फिलहाल पहली सेल के अंदर, और ये आपको 22 फरवरी से फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों 22 फरवरी के बाद ये आपको मार्केट में भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा चाहे फ़ोन ऑनलाइन बिकते हो या फिर ऑफलाइन आपको मार्केट में भी आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आप इस फ़ोन की तरफ जाना चाहते हो तो आप बिना टेंशन जा सकते हो, क्योंकि दोस्तों 25,000 रुपये के अंदर, मैं बोलूँगा 22,000 रुपये के अंदर दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है सैमसंग की तरफ से, क्योंकि सबसे अच्छी बात है सैमसंग की भरोसा। सैमसंग हमें अच्छे फीचर देता है, प्लस दोस्तों आपको सैमसंग की जो सर्विस सेंटर होते हैं वो दोस्तों काफ़ी ईजिली मिल जाते हैं और सैमसंग की सर्विस दोस्तों काफ़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।